दोस्तों, जब हम किसी बिजनेस की मैनुअल अकाउंटिंग को अगर पहली बार किसी कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करने जा रहे हैं, तो हमें उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई भी एंट्री पोस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी है। हम बैलेंस शीट को देख के ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से मेंटेन करते हैं, कौन से लेजर का कौन सा ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है, तो ये सब कुछ आज हम ओरिजिनल बैलेंस शीट के साथ प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अकाउंट्स को प्रैक्टिकली रूप से सीखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी बातें प्रैक्टिकली रूप से बताने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर टेली, बीजी, फैक्टैक्स, मार्क, अकाउंटिंग और टैक्सेशन की नई नई वीडियो और लेटेस्ट वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह प्रैक्टिकल वीडियो। तो दोस्तों, हर बिजनेस में ईयर एंड पे यानी कि 31 मार्च को एक बैलेंस शीट जरूर बनती है, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा बिजनेस हो। अगर बड़ा बिजनेस होगा जिसकी लास्ट ईयर की जो टोटल सेल है वो 1 करोड़ से अगर ज़्यादा होगी, तो आपको इस टाइप की बैलेंस शीट मिलेगी और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड होगी। अगर किसी का छोटा बिजनेस है तो उसके पास बैलेंस शीट जरूर मिलेगी, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंट से सर्टिफाइड ना भी हो, तो उसे बैलेंस शीट उसके पास हर ईयर एंड पे हर बिजनेस की जरूर बनती है, जिसे हम बोल देते हैं बुक्स ऑफ फाइनलाइजेशन। तो दोस्तों, ये सब कुछ जो रिकॉर्ड होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो भी लेखा जोखा होता है वो सारा हमारा इस बैलेंस शीट में आ जाता है। तो दोस्तों बुक्स ऑफ फाइनलाइजेशन की ये कुछ स्टेप होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, जिससे कि हमारे पूरे बिजनेस का पूरे साल में कितना गुड्स हमने परचेज किया, कितना सेल किया, कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। तो उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें बनाना पड़ता है, बिजनेस के अंदर टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने खर्चे हुए हैं, कितने टोटल इनकम हुई है, नेट प्रॉफिट कितना है। उसके बाद हमें कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है और इस तरीके से हमें डेप्रिसिएशन का चार्ट भी हमें बनाना पड़ता है, और लास्ट पोजिशन पर जाके ये बैलेंस शीट है जो फाइनल होती है। तो दोस्तों, इन सब की एंट्री हम कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो टेली सॉफ्टवेयर में आप अकाउंटिंग मेंटेन करने जा रहे हो, चाहे वो आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करने जा रहे हो, मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन सभी के अंदर ओपनिंग बैलेंस का जो पोस्ट करने का तरीका है वो सभी का सेम होता है, क्योंकि जब भी हम लेजर क्रिएट करते हैं और लेजर क्रिएट करने के साथ साथ ही हमें ओपनिंग बैलेंस को मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों, आज हम ये सीखने वाले हैं टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये किस तरीके से ओपनिंग बैलेंस को मेंटेन किया जाता है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को देखकर। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक बैलेंस शीट है स्मार्ट ट्रेडर्स की, और ये जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 का है, और इस 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट को, यानी कि अब हमारा जो सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 2019। हर बिजनेस में ईयर एंड पे यानी कि 31 मार्च को एक बैलेंस शीट जरूर बनती है, चाहे वो बिजनेस छोटा हो चाहे वो बिजनेस बड़ा हो। अगर बड़ा बिजनेस है उसकी जो लास्ट ईयर की जो सेल है वो 1 करोड़ से अगर ज्यादा की है, तो आपको इस टाइप के जो बैलेंस शीट है, बुक्स ऑफ फाइनलाइजेशन के जो रिकॉर्ड है, वो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड हुए होते हैं। अगर किसी का बिजनेस छोटा है, उसकी जो लास्ट ईयर की जो सेल है वो 1 करोड़ से कम रहती है, तो उसके पास बैलेंस शीट जरूर होगी, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंट से सर्टिफाइड ना भी हो, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना हर बिजनेसमैन के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये जो बैलेंस शीट जो हमारी बनती है ये कुछ स्टेप के साथ बनती है, जिसे हम बुक्स ऑफ फाइनलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो रहता है ट्रेडिंग अकाउंट का। तो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट का मीन्स मतलब हो गया भी पूरे ईयर्स के दौरान, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दौरान कितना सामान खरीदा गया, कितना सामान बेचा गया और कितना 31 मार्च को स्टॉक है जो बचा हुआ है। तो ये सारा स्टेप हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा, और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि साल के दौरान कितने हमने खर्चे किए हैं, कितनी हमारी इनकम हुई है, वो सारा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है।
और उसके बाद में कैपिटल काउंट, यानी कि कितना हमारा ओपनिंग बैलेंस आ रहा था कैपिटल का, कितना इस साल का नेट प्रॉफिट हुआ है, कितने उसने पर्सनली यूज के लिए पैसा बिजनेस से विड्रॉ किया है, तो ये सारा कैपिटल अकाउंट में हमें मिलेगा। और उसके बाद में डेप्रिसिएशन के चार्ट, जो हमारी फिक्स्ड असेट होती है, जो कि जिसे हम मोटरसाइकिल कार, जो हमारी अदर जो असेट होती है फिक्स्ड असेट जिसे हम बोलते हैं, तो उनका भी हमें चार्ट क्रिएट करना पड़ता है, और फाइनल पोजिशन पर जाके बैलेंस शीट। तो दोस्तों हमें जो भी जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हमें मेंटेन जो करना होता है, वो बैलेंस शीट को देख के ही मेंटेन करना होता है। अब इसमें जब हम ओपनिंग बैलेंस को मेंटेन करते हैं, चाहे आप किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, चाहे वो टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्स वाइजेड कोई भी हो सकता है, लेकिन सभी में ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करने का जो तरीका होता है, वाउचर पोस्ट करने का जो तरीका होता है, वो सभी में सेम होता है। तो दोस्तों जब हम ओपनिंग बैलेंस अगर हमें मेंटेन करने की बारी आती है, तो हमें जरूरत पड़ती है केवल इसी बैलेंस शीट की। तो दोस्तों ये बैलेंस शीट है स्मार्ट ट्रेडर्स की, और ये एज ऑन 31 मार्च 2019 तक, यानी कि इस बैलेंस शीट में 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का जो पार्टियों के जो बैलेंस बच गए थे, उसमें बैंक बैलेंस भी हो सकता है, डेब्टर भी हो सकते हैं, क्रेडिटर भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, हमारी लायबिलिटीज भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, तो उनका जो क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2019 को बच गया था, उसका सारा रिकॉर्ड इसी बैलेंस शीट में होता है। लेकिन जब भी हम किसी ओपनिंग बैलेंस की अगर बारी आती है, तो हमें ट्रेड इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का ज्यादा कोई यूज नहीं होता। हमें चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट और फिक्स्ड असेट का चार्ट, ये तीनों चार्ट हमारे पास होने जरूरी है। तो किस तरीके से करेंगे ये सब कुछ आज हम टेली सॉफ्टवेयर और बीजी सॉफ्टवेयर में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हमने यहां पर स्मार्ट ट्रेडर्स की कंपनी को क्रिएट किया हुआ है, और सबसे पहले हमें लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों लेजर हमें कैसे क्रिएट करेंगे, हम इस बैलेंस शीट को बेस मानते हुए इसके लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास लेजर आता है सुमित कुमार का, और ये है कैपिटल अकाउंट, यानी कि इस दुकान का मालिक प्रोपराइटर। तो हमें टेली में लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, और लेजर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टेली के होम पेज पे और क्रिएट ऑप्शन पर, और हम करेंगे क्रिएट पेंटर, लेजर पे जाएंगे और हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे सुमित कुमार, और ये कैपिटल काउंट है, तो हमें इस लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कैपिटल काउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन हमें टाइप करते हुए, और हमारे पास ये एक ऑप्शन आएगा ओपनिंग बैलेंस का। तो अब ये ओपनिंग बैलेंस यानी कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये अब हमारा ओपनिंग बैलेंस बन चुका है, तो हम इसको यहां से, ये ओपनिंग हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 31 मार्च 2019 का, ये अब 1 अप्रैल 2019 का ओपनिंग बन चुका है, तो हम इसी को ही वहां पर करेंगे पोस्ट टेली में और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान में रखना है भी ये जो बैलेंस आ रहा है ये क्रेडिट साइड का आ रहा है या डेबिट साइड का आ रहा है। तो जो हमारी लायबिलिटी साइड में जो भी बैलेंस है वो हमारे क्रेडिट होते हैं, तो इसलिए हम इसको रखेंगे सीआर यानी कि क्रेडिट, और एंटर प्रेस करते हैं, हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट लेजर यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, तो इस पंजाब नेशनल बैंक से हमने सिक्योर्ड लोन यानी कि एक लोन जो लिया हुआ है, और उसका जो 31 मार्च 2019 का बैलेंस था एज पर बैंक स्टेटमेंट के अनुसार 15 लाख रुपए का, तो हमें टेली में एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक, और इसके आगे हम यहां पर लिखेंगे लोन अकाउंट ताकि हमें पता रहे, और ये इसको हम रखेंगे सिक्योर्ड लोन में, और इसका हम रखते हुए इसका ओपनिंग जो बैलेंस है और बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख रुपए, और ये भी क्रेडिट साइड का बैलेंस है, और इसे हम सीआर रखते हुए एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में हमारा लेजर आ जाएंगे अनसिक्योर्ड लोन के, यानी कि एक तो है विकास कुमार और एक है श्री सुरेश कुमार, तो लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा विकास कुमार, और इसका ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे अनसिक्योर्ड लोन का, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है विकास कुमार का 1,95,500 रुपये,
अब ये बैलेंस हमें वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, 1,95,500 रुपये, और ये भी क्रेडिट साइड का बैलेंस है। और इस तरीके से अगला सुरेश कुमार, सुरेश कुमार ये भी अनसिक्योर्ड लोन है, और इसे हम अनरजिस्टर्ड रखते हुए इसका अमाउंट हम टाइप करेंगे 1,72,800 रुपये, ये भी क्रेडिट साइड का बैलेंस है। और इस तरीके से ये सैंडरी क्रेडिट के, यानी कि तीन हमारे पास सैंडरी क्रेडिट है जिनका पैसा हमने 31 मार्च को देना था। तो एसएस ट्रेडिंग कंपनी, तो हम इसको एक बार मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। वैसे हमें टाइप हमें करना पड़ता है, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। और इसका जो अंडर ग्रुप रखेंगे वो सैंडरी क्रेडिट रखेंगे। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1,33,547, और ये भी सीआर साइड का रहेगा। और उसके बाद में सेकंड लेजर विजय ब्रदर्स सेंट्री क्रेडिटर रखते हुए इसको हम एक बार रेगुलर में रखेंगे। इसका जीएसटी नंबर हम बाद में भी टाइप कर सकते हैं। और इसका जो बैलेंस है वो 1,12,541 का, ये भी क्रेडिट साइड का बैलेंस है। और इस तरीके से ये कमला एंटरप्राइजेस, ये भी सेंट्री क्रेडिट है। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस था 1,13,740 रुपये का। तो ये तो थे सैंडरी क्रेडिटर। और इसके बाद बारी आती है हमारी करंट लाइबिलिटीज की, यानी कि ये दो रिवर्स टैक्स, यानी कि आरसीएम हमारा 31 मार्च का पेंडिंग था, मार्च मंथ का, जो हमने की हो सकता है ये अप्रैल मंथ में डिपॉजिट करवाया हो, तो हमें रिवर्स सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहां से करता हूँ कॉपी और यहां करता हूँ पेस्ट। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज है, तो हम इसका ग्रुप यहां से करेंगे करंट लाइबिलिटीज सेलेक्ट। और इसका यहां से क्लोजिंग बैलेंस 500 रुपये। और इस तरीके से एक रिवर्स टैक्स एसजीएसटी का जो लेजर है वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और इसका भी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 500 रुपये है, और इंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हो आप, हमने इसके जो क्रेडिट साइड की, जो हमारी लाइबिलिटी साइड की, वो सारे बैलेंस अपने पोस्ट कर दिए हैं। और इसका जो टोटल आ रहा है 3637,084.26, और टेली में भी आप देख रहे हो इतना ही हमें डिफरेंस शो कर रहा है, 3637,084.26, यानी कि ये डिफरेंस हमें शो कर रहा है। भी आप कर रहे हैं क्रेडिट साइड आपने इतना किया, डेबिट साइड अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, तो डेबिट साइड का भी बैलेंस हमें पोस्ट करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो जो सबसे ऊपर आता है वो है फिक्स्ड असेस्ट, यानी कि एज पर शेड्यूल भी। तो इसमें हमारी जो फिक्स्ड असेस्ट है उन सभी के ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमें बैलेंस जो हमारा फिक्स्ड असेस्ट का जो चार्ट है उसे ओपन करना पड़ेगा। तो ये हमारा चार्ट आ गया, और इस चार्ट में सारे जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, मोटरसाइकिल, जनरेटर, फर्नीचर, सोलर, बैटरी और कार वगैरह, तो उनका हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। और इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ओपनिंग में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे मोटरसाइकिल का, और मोटरसाइकिल को हम अंडर में रखेंगे फिक्स्ड असेस्ट, और जीएसटी इस पे नोट एप्लीकेबल करेंगे। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये आएगा 5,772 रुपये, तो 5,772 रुपये। और ये अब डेबिट साइड का बैलेंस है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे पे सीआर की जगह इसको करेंगे डीआर, और इसे करेंगे सेव। इस तरीके सेकंड जो ब्लॉक है वो है जनरेटर का, ये भी हमारा फिक्स असेस्ट में रहेगा। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 3531 रुपये, इसको भी हम सेफ्ट करेंगे। और उसके बाद हमारा फर्नीचर का, ये भी फिक्स असेस्ट में रहेगा, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 5,387 रुपये। और उसके बाद में सोलर बैटरी, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 39,030, डेबिट बैलेंस। और उसके बाद में कार, ये भी हमारी फिक्स्ड असेट है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हो मेरा फिलहाल मैं भी इसी नेम के ऊपर हूं, और जैसे एक एंटर प्रेस करता हूं तो मैं अलाइलेस पे आ जाता हूं, और मैं कंट्रोल एंड अगर की बटन प्रेस करूंगा तो मैं सीधा डायरेक्ट यहीं पे
इस ओपनिंग बैलेंस के ऑप्शन पे आ जाऊंगा। अदरवाइज मुझे यहाँ पे इंटर प्रेस करता करता इन सभी ऑप्शन पे यहाँ से आके यहाँ पर आना पड़ता है। तो कंट्रोल एंड इसकी शॉर्टकट की जो है आप बिल्कुल एंड में आ सकते हो। तो 140,942, तो ये हमारे जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनकी सभी की एंट्री हमने कर दी है। तो उसके बाद वापस चलते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में हमारे पास ये चार नाम है सैंड्री डेप्टर्स में, तो इन चारों को नाम को भी हमें टाइप करना पड़ेगा। तो जो पहला नाम है वह मोहित कुमार का, और इसका ग्रुप हम यहाँ से अब सेलेक्ट करेंगे सैंड्री डेप्टर्स, और कंट्रोल एंड बटन प्रेस करूँगा तो मैं इस यहाँ पर इसके ओपनिंग बैलेंस पर आ जाऊँगा। तो 1547 रुपये ये डेबिट बैलेंस है, इसे हम करेंगे एक्सेप्ट। सेकेंड नेम है मुकेश कुमार, और इसको मैं कंट्रोल एंड के साथ प्रेस करूंगा तो 12,158 डेबिट बैलेंस। और उसके बाद में सूरजबान, कंट्रोल एंड, और इसका जो बैलेंस है वो 4,554 रुपये डेबिट बैलेंस है। और उसके बाद में नेक्स्ट नेम है राम कुमार, और कंट्रोल एंड 6584। तो इस तरीके से सैंड्री डेप्टर्स के भी एंट्री हमने कर दिए। और उसके बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स, तो इनकी एंट्री भी हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। सीजीएसटी टैक्स वो इसको हम रखेंगे करंट असेस्ट में, अगर आप चाहो तो इन्हें ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी रख सकते हो, लेकिन अभी हम इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं रख रहे। हम क्यों नहीं रख रहे, इसका भी आपको मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें रिवर्स एंट्री हमने करके रखी हुई, तो इसलिए हम इसको एक बार करंट असेस्ट में रखेंगे। हम वैसे लेजर क्रिएट करते हैं तो सीजीएसटी टैक्स को हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही रखते हैं, लेकिन इसको हमने क्यों नहीं रखा, हम रख सकते हैं तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी हम इसको रख सकते हैं, लेकिन एक बार हम करंट असेस्ट में इसको रखेंगे। और कंट्रोल एंड के साथ इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1200 रुपये डेबिट बैलेंस, और इस तरीके से ये एसजीएसटी बैलेंस 1200 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में आ जाता है विक क्लोजिंग स्टॉक। अब ये कह रहा है भी आपके पास डीजल पेट्रोल और लुब्रिकेंट ऑयल का ये इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था, लेकिन अब ये जो है डीजल पेट्रोल ये एक तरीके की हमारी इन्वेंट्री है, तो हमें ये जब इनका क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे वो इन्वेंट्री मेंटेन करते वक्त एंट्री इनकी करेंगे। तो इसके लिए हमें वापस स्केप करके हम बैक जाएंगे, और अब हमें क्रिएट करने के बाद हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना पड़ेगा। हम करेंगे स्टॉक आइटम को क्रिएट, और यहाँ पर हम लिखेंगे डीजल, और ये हमारा रहेगा लीटर में स्टॉक है जो, हम इसे भी हम यहाँ पर रखेंगे लीटर्स में। और उसका जो ओपनिंग बैलेंस है अब इसकी एंट्री हम यहाँ पोस्ट करेंगे, यानी कि इसकी क्वांटिटी कितनी बची हुई थी वो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलेगा। इसकी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 21,891 लीटर, तो 21,891 लीटर क्वांटिटी यहाँ आएगी, और इसकी जो वैल्यू है वो है 1992,081 की, वो ये आएगी इसकी वैल्यू में, और इसके हम एक्सेप्ट करेंगे। और इसी तरीके से हम पेट्रोल की इन्वेंट्री में आइटम हम क्रिएट करेंगे, और ये भी हमारा लीटर में हम स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 12,046, और इसकी जो वैल्यू है वो 1204,600, और इंटरप्रेस करते हैं इसको सेव करेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास एक कॉमोडिटी और बची हुई है लुब्रिकेंट ऑयल की, प्राइमरी ये भी हम लीटर में मेंटेन करते हैं इसको भी, और इसकी जो क्वांटिटी बची है वो 88,088, और इसकी जो वैल्यू है वो 28,160 रुपये की है। तो अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हमने यहाँ से मेंटेन कर दिया, तो इसका हमें अलग से लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस चलते हैं बैलेंस शीट पे। अब उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट में, तो अब इसके लिए वापस हमें लेजर ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, लेजर हम क्रिएट करेंगे, और लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा एफडीआर का, यानी कि हमारी बैंक में एफडीआर है विद पीएनबी बैंक, और ये हमारी एक तरीके इन्वेस्टमेंट है, हम इसे रखेंगे इन्वेस्टमेंट में, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस रखेंगे 50,550।
और उसके बाद में पीपीएफ अकाउंट है, तो पीपीएफ अकाउंट का लेजर हम क्रिएट करेंगे, इन्वेस्टमेंट में इसको रखेंगे और 50,000 रुपये इसकी वैल्यू बैलेंस शीट को देख के हम पोस्ट करेंगे। और उसके बाद में कैश इन एंड, अब कैश इन एंड का मतलब जो कैश का जो बैलेंस है, तो कैश का लेजर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट होता है टैली में, तो हम उसको हम करेंगे जाके अल्टर, अल्टर में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और कैश को सिलेक्ट करेंगे। अब इस जो कैश इन एंड का जो हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, वो इसका ओपनिंग बनेगा 52069.85 और ये डेबिट बैलेंस है। तो उसके बाद पीएनबी करंट अकाउंट और एचडीएफसी करंट अकाउंट, इनका लेजर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए वापस हम क्रिएट पर जाएंगे और लेजर पे सबसे पहले हम करेंगे पीएनबी करंट अकाउंट और ये अंडर में रहेगा बैंक अकाउंट के, और ऐसे कंट्रोल एंड हम प्रेस करेंगे तो 13,164 रुपये और 41 पैसे डेबिट साइड का बैलेंस। और उसके बाद में एचडीएफसी करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस हम यहां पर लिखेंगे, ये इसको भी हम रखेंगे अंडर में बैंक अकाउंट का और कंट्रोल एंड के साथ बिल्कुल लास्ट में आएंगे 24,554। तो दोस्तों अब भी आप देख रहे हो यहां पर इसके अंदर ये डिफरेंस दिखा रहा है 24,554 रुपए का, जैसे हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे तो उसके बाद ये हमारा बैलेंस है तो यहां से जीरो हो जाएगा और इसको एंटर प्रेस करते हम एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों हमें जब भी ओपनिंग बैलेंस हम मेंटेन करें तो हमें इसमें ऑप्शन जो आ रहा है सीआर और डीआर का, ये विशेषकर ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है, बैलेंस हमारा आ तो रहा है बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में और हम गलती से हमने यहां पर लिख दिया डेबिट साइड को, तो ये बैलेंस शीट है जो हमारी मिस डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस जो शो करता रहेगा। अब ये कैसे करेगा वो भी आपको मैं बताता हूं। अब जैसे कि हमने अल्टर में आके आपको एक लेजर दिखा देता हूं मैं, अब जैसे कोई भी एक लेजर है जैसे कमला एंटरप्राइजेज है, अब ये सैलरी क्रेडिट था और इसका जो हमारा बैलेंस शीट में जो बैलेंस आ रहा है वो 113,740 का है और यही बैलेंस है जो हमारा इस बैलेंस शीट में भी आ रहा है, लेकिन हमने एंट्री तो बिल्कुल सही कर दी यहाँ पर, और लेकिन यहाँ पर सीआर की जगह हमने इसको गलती से डीआर कर दिया और इसको सेव कर दिया, और हम ये बात मान रहे हैं हमने इसका ओपनिंग बैलेंस है जो बिल्कुल सही तरीके से मेंटेन कर दिया। लेकिन जब भी आप वापस जाओगे, चाहे आप वहीं पे चले जाओ लेजर पे, तो आपको इस इतना बैलेंस है जो यहीं पर भी शो होता रहेगा डिफरेंस, और आप बैलेंस शीट देखोगे तो आपको बैलेंस शीट में भी इस टाइप का जो एक वर्डिंग है शो होती रहेगी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो दोस्तों जब भी हम कोई भी ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करें तो हमें सीआर और डीआर का विशेषकर ध्यान में रखना है। तो हम इसी को वापस अगर सही करेंगे, अल्टर में जाके लेजर में जाएंगे हम और कमला एंटरप्राइजेस, तो अमाउंट तो बिल्कुल सही है लेकिन हमने गलती यहां पे यही कर दी, सीआर की जगह डीआर कर दिया था। अब जैसे हम इसको सीआर करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, तो आप यहां पर भी देख सकते हो कोई भी किसी भी टाइप का डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों यही ऑप्शन सेम बिजी सॉफ्टवेयर में भी होता है। अब बिजी सॉफ्टवेयर में जब भी आप जैसे आप अकाउंट लेजर क्रिएट करोगे, आप मास्टर में जाओगे, अकाउंट में जाओगे और ऐड करोगे, तो जैसे यहां पर आपने नाम लिखा कमला एंटरप्राइजेस, कोई भी नाम हो सकता है, और इसका अंडर ग्रुप आपने रखा सेंडरी क्रेडिटर, तो आपको यहीं पे भी पूछ लेगा ये ओपनिंग बैलेंस। तो ये थोड़ा बहुत लेआउट का जो डिफरेंस है ये जरूर हो सकता है, जैसा कि टेली है तो टेली ने बिल्कुल एंड में पूछा था और यहां पर बिजी सॉफ्टवेयर ने नाम क्रिएट करते और ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद जस्ट बाद ही ओपनिंग बैलेंस पूछ लिया। तो ये हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा एक अलग लेआउट जरूर हो सकता है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस आपको लेजर क्रिएट करते वक्त जरूर पूछेगा, चाहे कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, उसका जो जगह है उसकी वो इस पूरी स्क्रीन पर वो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस जरूर पूछेगा। तो दोस्तों ये था एक प्रैक्टिकल तरीका लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को देख के, उसके पूरे चार्ट को समझ के इसका ओपनिंग बैलेंस को मेंटेन करना। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना, और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।